अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम CD70 मोटरसाइकिल का साइलेंसर चेंज करना सीखेंगे कि CD70 मोटरसाइकिल का साइलेंसर किस तरह से चेंज किया जाता है और कौन सी कंपनी का साइलेंसर जो है वो लगाना है जिससे बाइक का साउंड जो है बिल्कुल जेन्युइन हो, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल जो न्यू बाइक के साथ लग के आता है उसका साउंड किस तरह का होता है और जो हम लगाने वाले हैं उसका भी सेम वही साउंड होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका साउंड चेक करवा देता हूं, इसका इस टाइम किस तरह का साउंड है और फिर हम इसको चेंज करते हैं और न्यू साइलेंसर का साउंड वो भी चेक करते हैं। और दूसरी वजह इसकी ये है चेंज करने की कि इसका यहाँ से देखें तो ये टूट चुका है और यहाँ से भी ये टूट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये टूट चुका है और नीचे की साइड से भी ये काफ़ी जगह से टूट चुका है। तो अभी दोस्तों हम इसका साइलेंसर जो है वो खोल लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसको पहले हम इसका साउंड चेक करते हैं, उसके बाद इसको खोलते हैं और न्यू लगाते हैं, फिर उसका साउंड चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसका साउंड सुना है तो इसका साउंड जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसी वजह से हम इसका साइलेंसर चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसका साइलेंसर जो है वो चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका साइलेंसर चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ये 14 नंबर का ये नट लगा हुआ है ये खोलना होगा और ये 2 10 नंबर के नट लगे हुए हैं ये खोलने होंगे स्टार्ट के। तो उसके बाद साइलेंसर 12 आ जाएगा। और तो दोस्तों अभी हम 14 नंबर की टी के साथ ये वाला नट जो है इसका खोलने लगे हैं एक्सल का। दोस्तों ये इसका 14 नंबर का नट जो है वो खुल चुका है। अब हमने 10 नंबर के वो वाले नट खोले हैं। इनको 10 नंबर की टी लगेगी तो ये वाला हम पहले खोल लेते हैं। तो आप ये ना भी खोलें तो ये खुल जाएगा, लेकिन मैंने आपको दिखाना है तो इसलिए मैं ये भी खोल रहा हूँ। जी तो दोस्तों साइलेंसर जो है इसका बाहर आ चुका है, आप देख सकते हैं कि ये इसके साइलेंसर की कुछ कंडीशन है। ये यहाँ से भी टूट चुका है ये देखें, तो नीचे से आप देखें तो इसको काफ़ी ज़्यादा वेल्डिंग किया गया है। तो अब हम जो है इसकी ये पत्री खोल लेते हैं, क्योंकि ये पत्री जो है वो साइलेंसर के साथ न्यू नहीं आती। तो ये खोल लेते हैं हम, इसको हम 12 नंबर की टी के साथ खोलेंगे। तो दोस्तों ये पत्री जो है इसकी खुल चुकी है, ये इसके 2 12 नंबर के नट हमने खोल लिया है। अब जो दूसरी पत्री ये है, ये अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये पत्री न्यू लगाने वाला हूँ, ये पत्री नहीं लगाने वाला, क्योंकि इसकी भी चमक जो है वो डैमेज हो चुकी है, इसलिए हम जो है न्यू ही लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अटल सुंडा का जेन्युइन साइलेंसर है, तो यही हम लगाने वाले हैं, क्योंकि अटलस हुंडा कंपनी का ही ऐसा साइलेंसर है जिससे जो है साउंड बिल्कुल जेन्युइन होगा। बाकी जितनी भी कंपनियों के साइलेंसर आते हैं उनका साउंड जो है वो जेन्युइन नहीं होता, तो हमने अटलस हुंडा का ही साइलेंसर यूज़ करना है। अटलस हुंडा का साइलेंसर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की इसकी शाइनिंग है और बाकी इसके ऊपर क्या स्टैम्प वगैरह लगी होती हैं कि नहीं लगी होती। तो ये इसका मैं बॉक्स खोल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको खोलोगे तो इसके ऊपर ये शापर होता है और यहाँ से आप इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले आप इसकी शाइनिंग देख लें कितनी ज़बरदस्त है, और दूसरे नंबर पे इसका वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं AHL यानी कि अटलस हुंडा। तो इसकी ये स्टैंप जो है वो लगी हुई है आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जेन्युइन साइलेंसर है। तो अभी हम जो है इसको फिट करना स्टार्ट करते हैं, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। तो ये पत्री लगाएंगे इस तरह से, दो 12 नंबर के नट जो है वो टाइट कर देंगे 12 नंबर की चीज के साथ। तो दोस्तों ये नट जो है इसके टाइट हो चुके हैं, अब हमने इस बाइक इसको बाइक में जो है वो फिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो साइलेंसर की वाशल होती है ये चेक कर लेंगे, अगर वाशल सही है तो फिर हम जो है इसको फिट कर देंगे, अदरवाइज हम जो है वाशल नहीं लगाएंगे। तो इसकी वाशल जो है बिल्कुल सही है, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से फिट कर लेते हैं। इसको हमें इस तरह से फिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिट हो चुका है। अब हमने इसके ये दो 10 नंबर के नट होते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फिट हो चुका है। अब हमने इसके दो 10 नंबर के ये नट होते हैं ये टाइट करने होते हैं, इसको हम यहाँ से इस तरीके से टाइट कर देंगे। दोस्तों इन नट को हमने बराबर बराबर टाइट करना है दोनों साइड से इस तरीके के साथ, एक को एक पहले टाइट करना फिर दूसरे को भी उतना ही टाइट करना इस तरीके से। तो दोस्तों ये टाइट हो चुके हैं, अब हमने ये वाला इसका लगा देना नट 10 नंबर का, ये टाइट हो चुका है। अब दोस्तों हमने ये वाला सेंटर एक्सल का नट जो है वो टाइट कर देना है, इसको 14 नंबर की टी से हमने टाइट कर देना है। तो दोस्तों अभी हम साइलेंसर पत्री जो है यहाँ पे फिट करने लगे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइलेंसर पत्री कुछ इस तरीके से ये लगेगी। इसके ये दो नट होते हैं ये टाइट करने होते हैं स्क्रू, तो इनको अभी हम टाइट कर लेते हैं। इनको दोस्तों हमने फुल टाइट करना होता है, दोस्तों ये देखें ये बिल्कुल टाइट हो चुका है, अब ये साइलेंसर पत्री हिल नहीं रही। अब हम इसका साउंड चेक करते हैं कि इसका साउंड किस तरह का है। तो अभी आप देख सकते हैं कि होंडा सिटी 70 बाइक का साइलेंसर जो है वो फिट हो चुका है, अभी हमने इसका साउंड चेक करना है कि इसका साउंड किस तरह का है।
तो चलिए दोस्तों अभी हम पहले स्लो पे इसका साउंड चेक करते हैं, उसके बाद हमने इसका रेस दे के साउंड चेक करना है कि इसका साउंड किस तरह का है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है कि इसका साउंड जो है वो कितना ज़बरदस्त है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का भी जेन्युइन साउंड हो तो हुंडा का जेन्युइन ही साइलेंसर लगाएं। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।